हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इन्फिनिक्स मोबाइल में होम स्क्रीन के ऐप आइकन को कैसे लॉक करें। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, सबसे पहले आपको मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है। तो यहाँ पर हम सेटिंग पर क्लिक करते हैं। देखिए, सेटिंग में आ चुके हैं। तो यहीं पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन, यहाँ पर आप देख सकते हैं, या फिर हो सकता है होम स्क्रीन नाम से मिले। तो गाइस, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, देखिए, लॉक होम स्क्रीन लेआउट। तो आपको देखिए जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है, इसे यहाँ से ऑन कर देना है, इनेबल कर देना है। देखिए चालू हो चुका है। हो सकता है आपके फ़ोन में थोड़ा नीचे ऊपर हो सकता है, तो थोड़ा आप नीचे ऊपर चेक कर लेना। फिर आपको सिंपली बैक आना है होम स्क्रीन पर। और गाइस, मैं आपको एक दूसरा तरीका बता दूं, आपको सेटिंग में जाना है। अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ऊपर आपके फ़ोन में सर्च बार होगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे होम, तो यहाँ पर आ जाएगा होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन, होम स्क्रीन लेआउट। आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए, तो यहीं पर आप आ जाएंगे, यहाँ से आप चालू कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने चालू कर दिया है। चालू करने के बाद सिंपली हम बैक आते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पर, और यहाँ पर अब देखिए किसी भी ऐप के आइकन को देखिए इस तरह करते हैं, तो यहाँ पर होम स्क्रीन लॉक्ड हो चुका है। कोई भी ऐप आइकन देखिए मूव नहीं कर रहा है, नहीं जा रहा है कहीं पर भी। इस तरीके से आप लॉक कर सकते हैं, आपका जो भी ऐप जहाँ पर रहेगा वो वहीं पर रहेगा जब तक कि आप इसे फिर से अनलॉक करके ना हटाएँ। तो काफ़ी शानदार है, आप इसका यूज कर सकते हैं। गाइस देखिए, कोई भी ऐप आइकन नहीं हट रहा है, इधर से उधर नहीं जा रहा है। तो गाइस, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।